हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उनसे हम बात करते हैं। सर, अब दो दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, मोदी सरकार ने पहले दिन से चर्चा को बड़ी गंभीरता से लिया, आगे भी लेंगे। हम लगातार चर्चा में बैठे रहे, कल भी देर रात तक हमारे केंद्रीय मंत्री बैठे रहे। जब किसान नेता उठ करके, तब भी कहा कि भाई प्लीज बैठिए, बातचीत करेंगे, लेकिन वो फिर भी चले गए। और आज सुबह प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकले, आगजनी, तोड़फोड़ जो भी हुआ, मैं कहना चाहता हूं आप कृपया करके हिंसा मत करिए, तोड़फोड़ मत कीजिए, शांति से बातचीत में हिस्सा लीजिए। हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, आज भी करेंगे। अब चर्चा बढ़ क्यों रही आपने पूछा, तो मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि नए नए मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं। कहा गया कि WTO से भारत को अलग हो जाना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। अब कहा गया कि FTA को रद्द कर देना चाहिए, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, व्यापार के जो समझौते हैं अन्य देशों के साथ, उसको रद्द कर देना चाहिए। कहा गया कि स्मार्ट मीटर्स को खत्म कर देना चाहिए। कहा गया इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल से हमें बाहर कर देना चाहिए। कहा गया कि पराली को जलाने को और कृषि क्षेत्र को जलवायु वाले मुद्दे से बाहर निकाल देना चाहिए। अब ये नए नए मुद्दे और संवेदनशील भी हैं, इसलिए इन मुद्दों पर बाकी स्टेक होल्डर से बातचीत करनी बनती है। हमने यही काम सबसे चर्चा करके आपसे भी चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन वो चर्चा से उठकर चले गए। मैं इतना ही कहूंगा, चर्चा जारी रखिए। अगर कतर में नौसेना के अधिकारियों को मृत्युदंड से बचाकर हिंदुस्तान सुरक्षित ला सकते हैं, ऑपरेशन गंगा में 27,000 हिंदुस्तानियों को बचाकर ला सकते हैं, तो हर समस्या का हल टेबल पे बैठ के ही निकलता है। चर्चा जारी रखें। लेकिन सर, जिस तरह से MSP की मांग हो रही है, राहुल गांधी का कहना है कि अगर उनकी सरकार आती है केंद्र में तो MSP की गारंटी देंगे। मैं इतना ही कहूंगा भाई, 60 साल इनकी सरकार रही, राहुल गांधी जी वो नेता हैं जो सड़क पे आके बिल फाड़ देते थे, ऑर्डिनेंस फाड़ देते थे अपनी सरकार का समय। क्या बीतती होगी उस समय के प्रधानमंत्री के मन पे? और इन्होंने क्या किया 60 सालों में MSP पे? मैं ये आपके सामने आंकड़े रखता हूं, ये देखिए साहब, देश को देखना जरूरी है। ये आंकड़ा दिखाता है कि कांग्रेस ने धान, गेहूं, दलहन, तिलहन कुल मिला के 5.5 लाख करोड़ रुपया खर्च किया 10 साल में, और मोदी ने गेहूं, धान, दलहन, तिलहन इन आइटम्स पे 18,39,000 करोड़ रुपया खर्च किया, यानी कि 3-3.5 गुना से ज्यादा खर्च किए। हमने कृषि सिंचाई योजना पर भी 15,511 करोड़ से ज्यादा खर्च किए। इनके समय ऋण मिलता था 2013-14 में 7,30,000 करोड़ रुपया किसानों को, हमने पिछले साल दिया 20,00,000 करोड़ रुपया। इनके समय एक्सपोर्ट होता था 2,62,000 करोड़ का, हमने पिछले साल किया 4,67,000 करोड़ का। कांग्रेस की सरकार में 2013-14 में बजट था 27,662 करोड़ का, हमारी सरकार के समय बजट है 1,25,000 करोड़ का, यानी कि 1,00,000 करोड़ रुपया ज्यादा। इनके समय ना किसान का सम्मान था ना निधि थी। PM किसान सम्मान निधि शुरू करके हमने 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया साल का देकर कुल मिलाकर 2,81,000 करोड़ रुपया दिया। इनके समय किसानों को मुआवजा भी नहीं मिलता था, हमने फसल बर्बादी होने पर 1,54,000 करोड़ रुपया मुआवजा दिया PM फसल बीमा योजना के अंतर्गत। अब एक बोरी DAP पर आपको सब्सिडी मिलती है 1,200 रुपया, और कुल मिलाकर खाद यूरिया की सब्सिडी साल की किसानों को मिलती 3,00,000 करोड़ रुपया। हमने किसान पर बोझ नहीं पड़ने दिया, हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया, लागत प्लस 50% कम से कम मुनाफा देने का काम किया। स्वामीनाथन जी को, चौधरी चरण सिंह जी को हमने भारत रत्न से सम्मानित किया, कांग्रेस ने नहीं किया। लेकिन सर, मैं जिस तरह से चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी ने किसानों का समर्थन किया है, साथ ही साथ चुनाव के पहले इस तरह का आंदोलन, देखिए जो राहुल गांधी गारंटी की बात करते हैं, इनकी गारंटियां राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ फेल हो गई, क्योंकि जो 5 साल पहले क्या किया थे, 5 साल शक्ल नहीं दिखाई, और लोगों ने जब सवाल पूछा कि कहां है तुम्हारी गारंटी, तो फेल हो गई। आज देखिए कर्नाटक, हिमाचल में भी यही हाल है, इन्होंने कहा था 1,500 रुपये प्रति महीना हर महिला को मिलेगा, नहीं मिला, 23 लाख महिलाएं इंतजार कर रही है। इन्होंने कहा था 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा। इन्होंने कहा था बागवान को अपनी कीमत फसल की तय करनी, नहीं हुए। इन्होंने कहा था 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दी। अरे राहुल जी, एक के बाद दूसरी आपकी गारंटी फेल हो गई, इंडी गठबंधन आपका टूट गया, सहयोगी दल आपके छोड़ के चले गए, हताश, निराश, परेशान आप बैठे हो, कम से कम झूठ बोलना तो बंद करो, देश को भ्रमित करना तो बंद करो, देश से माफी मांगनी चाहिए श्रीमान राहुल गांधी को। बहुत धन्यवाद। कैंप रमेश रत्नाकर के साथ विनित कुमार, न्यूज 18, दिल्ली।